हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर में हम जानते हैं रिएक्शंस ऑफ HIO4। HIO4 एक रिएजेंट है जिस रिएजेंट का नाम होता है पीरियोडिक एसिड, और यही सेम फंक्शन लेड एसीटेट दैट इज PBOAC4, ये भी सेम फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो आज के लेक्चर में हम HIO4 के रिएक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहले HIO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, बीच में इसमें क्या है, आयोडीन है, और आईडी ने कितने बॉन्ड यहां पे बनाए हुए हैं, 7 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। एक इसमें हाइड्रोजन है, सो दिस इज एच, दिस इज आई, और ओ कितने हैं इसमें, 4। तो HIO4 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आइए अब देखते हैं HIO4 की रिएक्शंस होती किसमें है। तो देखिए, HIO4 की जो रिएक्शंस होती है वो होती है विसिनल डायोल्स में। विसिनल डायोल्स के अलावा और भी कुछ सिस्टम होते हैं जिनमें रिएक्शंस होती हैं, पर सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पीरियोडिक एसिड की रिएक्शन विसिनल डायोल्स में। विसिनल डायोल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है एग्जैक्टली 1-2 पोजिशन पे, यानी एडजेसेंट पोजिशन पे दो OH ग्रुप्स लाई करेंगे, इसको बोलते हैं विसिनल डायोल। ठीक है, अब विसिनल डायोल में हम यहाँ पे यूज करेंगे HIO4 का 1 मोल ऑफ HIO4। तो इससे प्रोडक्ट डायरेक्टली कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे, मैकेनिज्म हम लास्ट में देखेंगे कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, है ना। तो अब तक आपने जाना कि HIO4 विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HIO4 जो होता है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये विसिनल डायोल्स को ब्रेक डाउन करता है, इट ब्रेक्स डाउन द विसिनल डायोल्स। तो देखिए, पहले हम देखने वाले हैं डायरेक्टली इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये जो विसिनल सिस्टम है, इसमें जो एडजेसेंट कार्बन है, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यानी विसिनल सिस्टम को आप ब्रेक कर देंगे बिल्कुल बीच से। जैसे ही आप बीच से इसको ब्रेक करेंगे, आप समझ सकते हैं जो ये कार्बन 1 है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, है ना। इस कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन एक बॉन्ड तो इसका टूट गया। उस वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, उस वैलेंसी को ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस दे के बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C पे क्या आएगा, H। ठीक है, यही सेम प्रोसेस नीचे होगा, कार्बन नंबर 2 जो है इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, जिस कारण ओ यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग करके एक नया पाई बॉन्ड बनाएगा, जिससे नीचे भी हमें यही सेम यूनिट मिलेगा, वी विल गेट इज CH3C डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले पूरे मॉलिक्यूल में आप आइडेंटिफाई किस चीज़ को करेंगे, एक विसिनल सिस्टम को। तो देखिए, ये सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस होल सिस्टम इज विसिनल सिस्टम। अब इसमें जो विसिनल कार्बन होंगे, यानी एडजेसेंट कार्बन होंगे, इनके बीच के बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, स्टाइल से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद जब कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, उस वैलेंसी को आप सेटिस्फाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग, है ना। सिमिलरली नीचे भी आप ऐसे ही करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी, C2 की वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग आप स्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनेगा। तो ऊपर वाले केस में अगर आप ध्यान दें तो जो कार्बन एटम है, उस कार्बन एटम पे कितने हाइड्रोजन लाई कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लाई कर रहे हैं, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे नया बना है। अगर नीचे वाले केस में बात करें तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक डबल बॉन्ड नया बन चुका है, एक H वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था अगर आप ध्यान दें, और एक मिथाइल भी यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो हमारे जो दो प्रोडक्ट्स बने वो कौन कौन से बने, एक बना अपना एसिटल्डिहाइड और एक अपना कौन सा बना, फॉर्मेल्डिहाइड। आइए देखते हैं अगला केस। अगले केस में अगेन हमने सिस्टम देखना है विसिनल डायोल का। तो अगर हम ध्यान दें तो ये सिस्टम है विसिनल डायोल का। अब इन दोनों विसिनल कार्बन्स के बीच में से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, अगेन हम वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्ड बनेगा, सिमिलरली यहाँ भी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस बेसिस पे जो प्रोडक्ट ऊपर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ओ, और जो सी है उस पर क्या आएगा, एच आएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा इथाइल सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या होगा, एच। तो इस तरीके से 2 एल्डिहाइड बन जाएंगे। आइए देखते हैं एक बड़ा केस, थोड़ा लेंथी केस देखते हैं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर केस में कितने विसिनल सिस्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, एक विसिनल सिस्टम तो ऐसा कुछ होगा, और अगला विसिनल सिस्टम जो होगा वो ऐसा कुछ होगा। तो दीज आर द 2 विसिनल सिस्टम्स, 1 एंड 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पहला विसिनल सिस्टम है इसको अपन ब्रेक करेंगे, यानी ये जो कार्बन और ये जो कार्बन है इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो लेट अस ब्रेक दिस।
सिमिलरली अगले सिस्टम में भी हम इन दोनों कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो पहला जो कार्बन है इसमें कितनी वैलेंसी फ्री होगी, एक वैलेंसी फ्री होगी, जिस वैलेंसी को हम बैक बॉन्डिंग करके सी डबल मोटो बना के स्टेबलाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस थर्ड कार्बन को, इस कार्बन पे भी एक ही वैलेंसी फ्री होगी क्योंकि बॉन्ड एक ही तरफ से टूटेगा जिसको वो बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज ध्यान से देखिए, इस सेकेंड कार्बन पे दो वैलेंसीज फ्री हो रही हैं, एक तो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जिसको स्टेबलाइज हम करेंगे। एक वैलेंसी को तो हम बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा वैलेंसी यहाँ बचेगी उसको हम सेटिस्फाई किस चीज़ से करेंगे, OH प्रोवाइड करके। तो आपने जाना कि एक वैलेंसी तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं बैक बॉन्डिंग से, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा वैलेंसी अगर आए तो उसको हम सेटिस्फाई करेंगे OH की हेल्प से। आइए अब देखते हैं हमें कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें मिलेंगे। तो पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा, सबसे पहला वो प्रोडक्ट कैसा होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ आएगा H। ठीक है, ये जो कार्बन आपको बीच में दिखाई दे रहा है इस कार्बन पे एक तो आएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक इसको क्या मिलेगा OH। तो आपने देखा एक वैलेंसी सेटिस्फाई विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड O और एक सेटिस्फाई विद द हेल्प ऑफ HCOH, है ना। इस H को मैं यहाँ अगर दिखाता हूँ तो इट इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ तो यू विल सी कि दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला प्रोडक्ट जो हमारा मिला ये मिला एल्डिहाइड, द सेकेंड वन इज एसिड एंड द लास्ट वन, अगर आप ध्यान दें तो कार्बन पे कितने H अवेलेबल है, कार्बन पे दो H अवेलेबल है ना, उसके अलावा हमने डबल बॉन्ड O का यूज़ किया, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, आइए देखते हैं इस केस को। इस केस में सबसे पहले अपने को ये देखना है कि यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ HIO4 कंज्यूम होंगे, कितने यूनिट्स HIO4 के यहाँ कंज्यूम होने वाले हैं। तो देखिए नंबर ऑफ HIO4 कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ विसिनल सिस्टम्स, जितने विसिनल सिस्टम्स होंगे उतने ही HIO4 मोल कंज्यूम होंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कितने विसिनल सिस्टम्स है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिस्टम ये है जिसमें OH एडजेसेंट पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, अगला सिस्टम ये है, नेक्स्ट सिस्टम ये है, नेक्स्ट सिस्टम ये है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ओवरऑल देर आर फोर सिस्टम्स, है ना। तो हम यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करने वाले हैं, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक ये ब्रेक करेंगे, एक ये ब्रेक करेंगे और एक ये ब्रेक करेंगे। जितने बॉन्ड हम यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं उतने यूनिट्स HIO4 के कंज्यूम होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं सबसे पहले इस कार्बन को, चेक करेंगे उस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो रही है। तो आपने देखा यहाँ एक वैलेंसी फ्री हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बैक बॉन्डिंग करेंगे, बैक बॉन्डिंग करके यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, इससे जो हमारा प्रोडक्ट आएगा अगर आप उसको देखें तो ऐसा कुछ होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और इस C पे क्या अवेलेबल होगा, H। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर कार्बन को, यहाँ ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से बॉन्ड टूटा है तो यहाँ वैलेंसी जो हो रही है दो फ्री हो रही है ना, एक वैलेंसी को तो हम बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज कर देंगे, बाकी दूसरी वैलेंसी को हम किससे स्टेबलाइज करते हैं, OH से स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आएगा, OH आएगा। ठीक है, अब देखिए यही सेम प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है, यही सेम प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है, यानी ये प्रोसेस जो यहाँ पे हुआ है यही सेम दो जगह और रिपीट होगा। तो मैं डायरेक्टली इसके कितने मोल ले सकता हूँ, इसके भी डायरेक्टली तीन यूनिट ले सकता हूँ, है ना, तीन बार ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। लास्ट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ कार्बन की अगेन एक वैलेंसी फ्री हो रही है जिसमें वो बैक बॉन्डिंग करके उसको स्टेबलाइज करेगा और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। ओके, सो दिस इज़ द वे जिससे हम HIO4 के मोल कितने कंज्यूम होते हैं ये पता करते हैं, है ना, और कैसे रिएक्शंस इसकी होती हैं ये अपन ने देखा। आइए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ एक्चुअली दिस HIO4 फंक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लेट अस से वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर विसिनल डायोल, हमने ये विसिनल डायोल लिया और सामने लेते हैं हम HIO4 का यूनिट। HIO4 में आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि तीन डबल बॉन्ड O होते हैं, एक यहाँ पे OH होता है। तो ये जो आपने सिस्टम देखा, इस सिस्टम में इस O पे पार्शियल नेगेटिव विद लोन पेयर है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव विद लोन पेयर है और I पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो O जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन I को डोनेट करेगा जिससे O में और I में बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो आपने देखा दिस विसिनल डायोल विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस HIO4 विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। अब जैसे ही पाई बॉन्ड टूट के इस ओ पे नेगेटिव चार्ज आया, उस ओ नेगेटिव को इस H का क्या मिल जाएगा,
एच प्लस मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे ऐसे कुछ एंटिटी तैयार होगी, अगर आप ध्यान दें तो ओ आयोडीन डबल बॉन्ड ओ को, बाकी दो को तो कुछ होगा नहीं, इस ओ माइनस को एच मिल जाएगा और यहाँ कुछ ऐसे ओ एच होगा, ठीक है। अब यही प्रोसेस ये ऑक्सीजन कैरी आउट करेगा, ये ऑक्सीजन इस आई को इलेक्ट्रॉन देके और आई में बॉन्ड बनाएगा, जिससे एक पाई बॉन्ड टूटेगा एंड अगेन ओ माइनस को क्या मिलेगा, एच मिलेगा। एक ओ एच इस पर और प्रेजेंट था, सॉरी आई फॉरगॉट टू लाइक ड्रॉ दैट। तो देखिए यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ आएगा ऑक्सीजन, यहाँ आएगा आयोडीन, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच कितने हो जाएंगे, इवेंचुअली तीन ओ एच यहाँ पे हो जाएंगे, एक दो और एक पहले से ही था, है ना। अब होता क्या है, इस आयोडीन पे इतने सारे ओ एच स्टेबल ना होने के कारण इस आई से एच टू ओ निकल जाएगा। एच टू ओ कैसे निकल जाएगा, इस आयोडीन से यहाँ से ओ एच निकलेगा और यहाँ से हम इस एच को निकालेंगे, तो यहाँ पे आई की और इस ओ की वैलेंसीज फ्री होंगी, जिस कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। तो अब ऐसा कुछ प्रिपेयर होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, एक ओ एच यहाँ पे मेंटेन रहेगा। अब अगला स्टेप कुछ ऐसा होगा जिसमें फाइनली हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो देखिए अगले स्टेप में सबसे पहले जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है ऑक्सीजन आयोडीन का, दिस विल ब्रेक, ये ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन आई के पास जाएगा। अब जैसे ही ये स्टार्टिंग हमने की, सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा, इस ओ की वैलेंसी फ्री होनी शुरू होगी। ओ की वैलेंसी फ्री होगी तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये टूट के इलेक्ट्रॉन पर यहाँ जाएगा, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड ओ बनेगा और इस ओ की वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब इससे यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, तो ये जो बॉन्ड है टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, जिससे ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आपने देखा एक पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ बन गया है, एक पाई बॉन्ड नीचे की तरफ बन गया है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें ये पूरी स्पीसी बाहर निकल गई है। तो आपने देखा किस तरीके से एक्चुअल में डबल बॉन्ड ओ जनरेट होता है। ऑब्वियसली ये मैकेनिज्म आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर स्टिल इससे आपको एग्जैक्ट फील आएगी कि व्हाट रियली यू आर डूइंग, है ना। तो आज के लेक्चर में वी हैव लर्नड अबाउट द रिएक्शंस ऑफ HIU4 दैट इज पीरियोडिक एसिड एंड लेड एसिटेट भी यही सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ HIU4। नेक्स्ट वी हैव सीन कैसे इसका प्रोडक्ट हम बनाते हैं, हम विसिनल सिस्टम्स को ब्रेक करते हैं और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, विच कैन बी डन बाय टू वेज, आइदर ओ की बैक बॉन्डिंग हम कर सकते हैं या यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कार्बन को OH हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम HIU4 की रिएक्शंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।